Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. आज हम लोग बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस के बारे में. मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है, और किस तरह हम डायग्नोज करते हैं और क्या ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल हो सकता है या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसकी लेटर ऑन लाइफ अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो. जैसा कि नाम से जाहिर है कंजेनाइटल का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है जो कि पैदाइशी तौर पर ही उसको है. और अब हो सकता है कि कोई या तो कोई फैमिली हिस्ट्री हो उसकी पहले, या कोई माँ बाप की वजह से ट्रांसमिट हुआ हो, या कोई खुद भी उसको हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिकली ट्रांसमिट हुई हो कोई चीज़, खुद भी इसको डिजीज़ कोई डेवलप हो सकती है. यूजुअली ये होता है कि बच्चों में जब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके जो होते हैं टेस्ट जो होते हैं, जब बच्चा तकरीबन कह लें कि माँ के पेट के अंदर ही होता है तो उसके सर्टेन टेस्ट पहले ही कर लेते हैं, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ताकि पता चले कि अगर मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको जो कि ये डिजीज़ हो सकती हैं. तो इससे बेहतर है कि पहले पता चला रहे हैं कि ये डिजीज़ हो रही है. मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उसके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि बेबीज़ को फिज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है. और कोई ना कोई अगर बच्चा पैदा होता है डाउन सिंड्रोम के साथ तो उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी होती हैं कि वो कुछ सीखने का अमल जो होता है वो नहीं कर सकता, या फिर कोई फिज़िकल डेवलपमेंट के इशू होते हैं कि वो उसका हाइट नहीं बढ़ती, या फिर उसके कोई फिज़िकल फीचर ऐसे होते हैं कि जो कि वो मतलब डाउन सिंड्रोम के अंदर बच्चों में होते हैं. और इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, जिस दौरान मदर जो होती हैं प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी के बाद कोई ऐसा इन्फेक्शन उनको हो गया हो कि वो इन्फेक्शन फिर बच्चे में कंजेनाइटल डिजीज़ का कॉज बने. या फिर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो गई है, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़, या टाइप 1 पहले से थी या फिर टाइप 2 थी पहले से, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो गई है, तो इस तरह की कंडीशन भी, या कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, या फिर ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पहले फैमिली में चली आ रही है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम. तो ये सारे रीज़न जो होती हैं इनकी वजह से भी कॉज होता है एक जेनेटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के. ये सारे रिस्क फैक्टर हैं. और इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या मिलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर? जो साइन सिम्टम मिलते हैं बेबी के अंदर वो बहुत ज़्यादा रैपिड हार्ट रेट या टैकीकार्डिया भी क्या कहते हैं, रैपिड ब्रीदिंग, और इसके अलावा लेग्स के अंदर स्वेलिंग, आइज़ के अंदर स्वेलिंग और पेट के ऊपर स्वेलिंग मिलती है, या फिर स्किन के अंदर ब्लूनेस होती है उसके अंदर, जिसको साइनोसिस भी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो. और उसके साथ साथ ये कि माइल्ड कोई ना कोई प्रॉब्लम, इनिशियली माइल्ड होते हैं जब बच्चे पैदा होता है, लेकिन लेटर जो होते हैं वो उसके साथ साथ उसको जो होती है कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रहती हैं. अच्छा, कौन कितने टाइप की डिजीज़ होती हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात कर लीजिए तो उसकी क्या क्या टाइप होती हैं? कंजेनाइटल डिजीज़ की टाइप तो काफ़ी होती हैं. कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि सेप्टल डिफेक्ट फॉर एग्जांपल, जिसको हम कहते हैं कि दिल के अंदर सुराख हो गया, इस बच्चे के दिल में सुराख था और फिर उसको ऑपरेशन करने के लिए वहाँ भेजा, तो उसमें क्या होता है सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है वो, कि जो सेप्टल होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है उसके दरमियान एक होल हो जाता है, या हार्ट चैम्बर जो होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल बिटवीन या द टू एट्रिया, उनके दरमियान एक होल होता है जिसको हम कहते हैं होल ऑफ द होल इन द हार्ट. तो एक तो ये सेप्टल डिफेक्ट होता है जब बच्चा पैदा होता है. या फिर कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा. कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा में ये होता है कि जो मेन आर्टरी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे कार्डिक साइकिल पहले के, जैसा कि ब्लड जो होता है पहले जो होता है वेन से आया राइट हार्ट के अंदर और फिर राइट वेंटिकल के अंदर गया, वहां से जो वेनस ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो राइट वेंटिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसको लेके गई लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्लड जो होता है वो एक तरह से ऑक्सीडेटेड हुआ। जब आपने सांस लेते हैं आप तो वो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब निकालते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इससे ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड आ रहा होता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होनी है कि नहीं एओर्टा के अंदर। एओर्टा तो अगर वो एओर्टा फॉर एग्जाम्पल कॉक्टेशन हो गई है, उसके थोड़ा सा मुड़ गया है वो एओर्टा कॉक्टेशन, तो उसकी वजह से ये होता है कि कुछ आर्टरीज में जो ब्रेन की हैं या फिर नीचे बॉडी के अंदर है, क्योंकि एओर्टा का काम ये होता है कि फिर जब वहां से निकलता है तो वो थ्रैसिक एओर्टा कहलाता है, चेस्ट में होता है। जब एब्डोमेन में पहुंचता है तो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, तो एओर्टा वहां पे कुछ ब्रांचेस देता है। थोरैक्स में होता है तो कुछ ब्रांचेस देता है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते होती हैं। जो कुछ ब्रांचेस जब वो चेस्ट में देता है अपनी तो वो लंग्स को सप्लाई कर रही होती है, कुछ एब्डोमिनल एओर्टा कहलाता है। जब एब्डोमिनल में पहुंचता है और वहाँ पे जब वो ब्रांचेस देता है तो ब्रांचेस किडनी को और जो मतलब उससे रिलेटेड स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, यहाँ की आर्टरीज को या स्टमक हो गया मेन, इसको सप्लाई कर रही होती हैं। तो अगर इसकी कॉक्टेशन हो जाए फॉर एग्जांपल तो ये भी एक तरह की कंजनाइटल हार्ट डिजीज कहलाती है। और फिर पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस, पल्मोनरी वेल्व हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि पल्मोनरी वेल्व जो होता है उसकी भी नैरोइंग हो जाए तो वो भी कंजनाइटल हार्ट डिजीज है। यह ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल क्या होती है कि फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेन कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा फॉर एग्जांपल जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है वहाँ से जो होती है कुछ दूसरी वेसल निकल आती है, और जहाँ से जो होता है एओर्टिक वेल्व जब निकल रहा होता है फॉर एग्जांपल वहाँ पे तो वो उनकी स्वैप हो जाती है, मतलब जहाँ पे एओर्टा होता है वो स्वैप हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ, तो वेसल्स जो होती हैं उनकी जो होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है दूसरी जगह पे। तो ये भी एक कंजनाइटल हार्ट डिजीज है। या फिर अंडर डेवलप हार्ट होता है कि हार्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, तो ये भी एक तरह की कंजनाइटल हार्ट डिजीज है। और फिर आपने देखा होगा कि डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है फॉर एग्जांपल, लेफ्ट हार्ट जो होता है यूजली लेफ्ट साइड पे होता है लेकिन वो राइट साइड पे मिलता है, तो ये भी इसकी एक तरह से कंजनाइटल हार्ट डिजीज है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर हम लोग इसको काउंट करते हैं। और अगर आपको डिस्कस हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि हार्ट के अंदर किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है या किस तरह से एट्रियम ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है और हार्ट के कितने वेल्व होते हैं, ये भी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हार्ट के वेल्व फॉर एग्जांपल के माइट्रल वेल्व हो गया या ट्रैकिस्पिड हो गया, पल्मोनरी एओर्टिक वेल्व, ये डेवलप नहीं हो पा रहे, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, तो ये भी कंजनाइटल डिजीज़ कहलाती है। और इसके साथ साथ ये कि सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर। सिम्टम्स जो मिल रहे होते हैं, मेन सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किया कि रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस, फटीग, स्वेलिंग मिलती है हैंड के ऊपर, एंकल के ऊपर, फीट के ऊपर। और ये भी इसका एक तरह से ये सारे सिम्टम्स के अंदर आते हैं। तो रीज़न बेसिकली इसका मेन ये होता है कि कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ जब डेवलप होती हैं जब कोई हार्ट की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई कंजनाइटली डिजीज़ चली आ रही हो फैमिली के अंदर वो हो, और या फिर हार्ट जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि 6 वीक के ऊपर प्रेगनेंसी के 6 वीक्स मतलब वो वीक होता है जब ऑर्गन जो होते हैं डेवलप हो रहे होते हैं मदर के अंदर, जो बेबी होता है उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया हो मदर को, या फिर उसी दौरान कोई स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल इंटेक हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डेवलप के इफेक्ट कर रही होती हैं बेबी के ऊपर। तो उसका कॉजेज़ जो होता है ये भी होता है, और इसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के इस वीक के अंदर। इसके साथ साथ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो कि फैमिली में चली आ रही होती हैं, हमने डिस्कस किया डाउन सिंड्रोम, और अदर डिसऑर्डर होते हैं, टर्नर सिंड्रोम एक होता है, और एक और भी डिजीज़ इसके अंदर होती हैं कंजेनिटल, जो कि या फिर हमने ऐसा डिस्कस किया डायबिटीज़ डेवलप हो गई है, या फिर अल्कोहल या रुबेला इन्फेक्शन हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फ्लू है या कोई मेडिकेशंस की वजह से हो रहा है, या एक फिनाइलकेटोन्यूरिया एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जो कि रेयर होती है, लेकिन ये कि उसके अंदर ये होता है कि बेबी को जो होता है PKU जो होता है फिनाइलकेटोन्यूरिया प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ के अंदर, क्योंकि एक तरह का केमिकल होता है फ्लाइन एलेनिन जो कि बॉडी जो होती है बेबी की वो ब्रेक नहीं कर पाती उसको डेवलप, तो वो इस तरह से वो बिल्डअप जो होता है ब्रेन के अंदर और ब्लड के अंदर आके उसकी वजह से कोई लर्निंग और बिहेवियर डिफ़िकल्टीज बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर इसके डायग्नोसिस की बात कर ली जाए कि किस तरह आप जो होते हैं डायग्नोस करते हैं कंडीशंस को, तो सबसे पहले तो यही है कि अगर मैनी केसेस के अंदर जैसे कोई डिजीज़ पहले ही बिफोर बर्थ डायग्नोस हो जाती हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, क्योंकि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा के भी देख लेते हैं, जब जैसे प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं उसके अंदर से भी पता चलता है कि कोई उसके अंदर इकोकार्डियोग्राफी होती है फीटल, तो उससे पता चल सकता है कि कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं डेवलप हो रही है आगे, स्पेशली ड्यूरिंग 18 to 22 वीक्स के दौरान पता चलता है कि ये चेक करवा के देखते हैं, या अगर फैमिली हिस्ट्री किसी को है किसी और मदर को और किसी बेबीज़ में तो है, तो अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको अगर वो पैदाइश होने वाली है उसकी न्यूली की बेबी की तो उसके अंदर भी चेक करवा के देखते हैं पहले उसके पैदा होने से पहले अल्ट्रासाउंड या फीटल इकोकार्डियोग्राफी। और इसके साथ साथ जो होती है कि अगर आफ्टर बर्थ है तो आफ्टर बर्थ के अंदर डिजीज़ जो होती हैं वो उसके अंदर फर्दर टेस्टिंग होती है, इकोकार्डियोग्राम सबसे बड़ा है, ECG, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरेज, पल्स ऑक्सीमेट्री से मेजर करते हैं कितनी ऑक्सीजन जो होती है वो उसकी कितनी आ रही है, सेचुरेशन कितनी है, या फिर कार्डिक कैथेटराइजेशन भी कुछ कंडीशन के अंदर करनी पड़ जाती है, क्योंकि इससे ये होता है कि कैथेटर इंसर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर और आर्टरी के थ्रू जाके ये इसके अंदर मेजर करते हैं कि कितना हार्ट का के अंदर कोई ऐसी कंजेनिटल डिजीज़ तो नहीं है, या फिर MRI भी करवाना पड़ता है कुछ कंडीशन के अंदर। कार्डिक कैथेटराइजेशन यूजली पेनलेस होता है, इसके अंदर जस्ट मेजर करते हैं चैम्बर्स की प्रॉपर शेप, लोकेशन, एनी एब्नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसके साथ साथ इस तरह इनको हम जो के डायग्नोस किया जाता है इन चीज़ों से, इन इन्वेस्टिगेशंस करवा के इसको डायग्नोस होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर एओटिक वेल्व है उसकी स्टेनोसिस है तो उसको डिपेंड करता है कि अगर एओटिक वेल्व का इशू है तो आप जो होता है उसके अंदर बैलून वेल्वोप्लास्टी होती है कि एक बैलून डालते हैं हार्ट के अंदर, वो एओटिक वेल्व पे बढ़ जाता है, जहाँ पे उसकी नैरोइंग है उसको वो बैलून के थ्रू उसको क्लियर कर देते हैं, स्टेनोसिस को नॉर्मल हो सकता है। और कॉर्क्टेशन ऑफ एओटा है तो उसके अंदर भी ये कि उसको क्रैक कर देते हैं, या PDA होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, वो भी ये कि शॉर्टली आफ्टर बर्थ होता है, तो उसके अंदर उसको भी आप मेडिसिन के थ्रू ईजिली, अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है और वो ओपन है तो उसको आप क्लोज कर देते हैं, मेडिसिन होती है उसको इंडोमेथेसिन कहते हैं, उसको वो जाके जो होता है PDA को क्लोज कर देता है, और ये कि अगर वो क्लोज नहीं होता तो फिर उसके अंदर की होल सर्जरी कराती है, वो हार्ट के अंदर करनी पड़ती है, और ये कि उसको जो ओपन होता है उसको डक्टस आर्टेरियोसम उसको क्लोज कर देते हैं। और फिर पल्मोनरी वेल स्टेनोसिस, सेप्टल डिफेक्ट, ये सारी कंजेनिटल डिजीज। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो कि बच्चों में होती है आफ्टर जब वो बर्थ होती है उनकी, तो उसके अंदर भी ज़्यादातर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, और ये सारी चीज़ें बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर मिल रही होती हैं। और बास कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रीट नहीं किया हार्ट को, फॉर एग्जांपल बच्चे के बर्थ से पहले जो डिजीज़ है उनको आपने कंट्रोल नहीं किया या फिर आफ्टर बर्थ उनको कंट्रोल नहीं किया, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर डेवलप हो जाती हैं, जिसके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसके अंदर जो सीखने समझने की सलाहियत है वो नहीं होती और मेमोरी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पेयर होती है या शॉर्ट होती है, तो वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, और या बोलने के अंदर उसको इशू होते हैं अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गया है, या अंडरस्टैंड करने में इशू होता है, या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जिसको होता है उसके अंदर कोई चीज़ों को अटेंशन वो नहीं दे पाता, उसको पता नहीं चलता कि ये चीज़ सही है या गलत है, या फिर उसके लिए एबिलिटी कोई प्लान नहीं कर सकता, कोई वो प्लानिंग एबिलिटीज़ नहीं होती, और इम्पल्स कंट्रोल बहुत ज़्यादा पुअर होता है, और ये कि उसके बिहेवियर जो होते हैं लेटर इन द लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिहेवियरल इशू डेवलप हो जाते हैं ऐसे बच्चों में, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डेवलप इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, ये सारे होते हैं, या फिर एंडोकार्डाइटिस का चांसेस ज़्यादा होता है उन बच्चों में जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। एंडोकार्डाइटिस ये होता है कि जो हार्ट के वाल्व हैं उनकी जो लाइनिंग है, जो हार्ट के वाल्व की लाइनिंग है उनका इन्फेक्शन हो जाता है उन लाइंस के ऊपर, और ये कि तो उसकी वजह से हार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो अगर एंडोकार्डाइटिस है तो उसके अंदर उसके सिम्टम डिफरेंट होते हैं, फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक, मसल वेस्टिंग, नाइट स्वेट, ये सारे सिम्टम मिल रहे होते हैं, और यूजली इसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा जिनको गम डिजीज़ होती हैं, टीथ के अंदर इशू होते हैं, तो गम डिजीज़ की वजह से भी एंडोकार्डाइटिस जो होता है डेवलप हो जाता है। अगर आपकी ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा पुअर है और आप मतलब टूथब्रश नहीं कर रहे प्रॉपर दिन के अंदर 2 से 3 दफ़ा, और ओरल हाइजीन पुअर है, तो वो डेंटल इशू की वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ से ट्रांसफर होकर हार्ट के अंदर पहुँच के इन्फेक्शन कर देते हैं हार्ट की लाइनिंग का, जिसको फिर एंडोकार्डाइटिस, फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकता है उसके अंदर, और लंग के अंदर प्रेशर जो होता है आर्टरीज़ का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके अंदर भी वही सारे सिम्टम मिलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस, फटीग, फेंट, या फिर हार्ट के रिदम के अंदर इशू मिलता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर हार्ट का रिदम जो होता है रेगुलर हो जाता है, और फिर सडन कार्डियक डेथ या हार्ट फेलियर भी इसके अंदर कॉज हो सकता है, और अगर इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट या ट्रीट नहीं किया जाए, या ब्लड क्लॉट भी हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट भी डेवलप हो जाते हैं जो कि वो ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंच के स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं। या इसके अलावा यही है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, तो उसके अंदर ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हार्ट स्कैन यूजली रिकमेंड करते हैं बेबी को, एटलीस्ट 20th वीक के ऊपर प्रेगनेंसी के जो स्कैन होते हैं, तो उसके अंदर इकोकार्डियोग्राम भी कराया जाता है, और एंटीनेटल स्कैन बच्चे के पैदा होने से पहले कराए जाते हैं, ताकि पता चल सके कि इसको कोई हार्ट का कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ तो नहीं बच्चा पैदा हो रहा, और ये कि किस तरह आप प्रिवेंट कर सकते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को। तो अगर प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसको ये कि इंश्योर हो कि आप मदर ने जो सारी वैक्सीनेशन उनकी प्रॉपर लेनी चाहिए, स्पेशली रुबेला और फ्लू की, क्योंकि कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम जो होता है वो बच्चे में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर से दौरान हुआ, और वो जो होता है बच्चे को भी इन्फेक्ट करके काफ़ी इशू कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ डेवलप कर सकता है, और दूसरी कंजेनिटल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है अगर वैक्सीनेट नहीं हो। तो उसमें यह कि अवॉइड करें अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स के लिए, क्योंकि ये सारा जाके ट्रांसमिट हो जाता है बच्चे में, और बच्चे के अंदर जो होता है वो उसके मेमोरी के इशू, या फिर डाउन सिंड्रोम, या फिर इस तरह की चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए मदर को यही है कि फॉलिक एसिड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करें, क्योंकि फॉलिक एसिड की वजह से एक तरह का सप्लीमेंट है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट 12 वीक जो होते हैं प्रेगनेंसी के, इसमें ये होता है कि अगर फॉलिक एसिड मदर यूज़ कर रही है फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें ऐसे लोगों को कंजनेटल हार्ट डिजीज़ जो होती है, अगर बच्चा पैदा हो रहा है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको जैसे कंजनेटल हार्ट डिजीज़, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट और क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इस तरह की जो कंजनेटल कंडीशन है, अगर मदर जो होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फॉलिक एसिड यूज़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर चांसेस कम होते हैं। तो हाईली रिकमेंड के अगर आप ज़रूर यूज़ करें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या उनको यूज़ करना चाहिए फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो उसकी वजह से उनके बच्चों में, जो पैदा होने वाले बच्चा है तो उसके अंदर चांसेस कम होंगे इसके कंजनेटल हार्ट डिजीज़ के। इसके अलावा आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली एंटीनेटल अपॉइंटमेंट के अंदर देखेंगे स्कैन में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही या बच्चे को कोई कंजनेटल हार्ट डिजीज़ डेवलप होने के चांस तो नहीं है, और ऐसे लोगों से कांटेक्ट या ऐसे लोगों को अवॉइड करें जिनको कोई मतलब इन्फेक्शन इस तरह का है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंट हैं तो इस तरह से विज़िट ना करें। किसी हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं मिलने किसी से या किसी कोई फैमिली मेम्बर है, किसी को इन्फेक्शन हो गया है, कोई माइनर इन्फेक्शन भी है, कफ है या फिर कोई और सीवियर इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों से अपने प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली अवॉइड करें उनसे कांटेक्ट, क्योंकि वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है और इसकी आपके अनबॉर्न बेबी जो है उसको इफेक्ट कर सकता है। अगर डायबिटिक्स डेवलप हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो इसको भी आपने कंट्रोल करके रखना है। और ज़्यादातर यही है कि इसके अंदर के और इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर के साथ। तो यूजली जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो आफ्टर जब बेबी बॉर्न हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हाई है तो उसमें आप ज़रूर कंसल्ट करें और ऐसे चीज़ों से अवॉइड करें, स्पेशली कोई पेंट, थिनर, नेल पॉलिश और ये यूज़ करने से, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्योंकि बच्चों में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंजनेटल हार्ट डिजीज़ के अगर ये ज़्यादा आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रहे। और ये कि विटामिन इनटेक और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हेल्दी हैं, जो लेना चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। Thank you so much for watching this video. Hopefully see you soon.